गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। हमने पहले 12th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आधा कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमें अभी करना है। मींस चैप्टर था फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, और उसी का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो दे रहे हैं। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो चलेंगे आगे, उसके अंदर हम इसे कंप्लीट समझाएंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है उसके अंदर हम थर्ड पॉइंट पे हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स अब हम बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पर। ओके, तो इसमें हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर टू पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पहली चीज़ तो ये हुई, टू पेरेंट्स विल पार्टिसिपेट हियर। ओके, और यहाँ पर वेरिएशंस भी आते हैं। ओके, क्योंकि वेरिएशन क्यों आएंगे, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में बताया था आपको कि मियोसिस होता है। मियोसिस के अंदर ही प्रोफेज फर्स्ट होती है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर स्टेजेस होती है लेप्टोटिन, जायगोटिन, पैकायटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। जो पैकायटिन स्टेज होती है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर जो सिस्टम है, क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होगी जिससे वेरिएशंस आते हैं, और वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर स्टेजेस बताई गई है। फर्स्ट स्टेज का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर है फर्टिलाइजेशन, जिसे आप सिनगेमेटोफाइट भी बोलते हैं, फर्टिलाइज होना, गैमेट्स जो हैं उनको मिक्स होना, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, एपोमिक्सिस बोल देते हैं हम लोग। और थर्ड स्टेज होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थ्री इवेंट्स होंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट स्टेज के बारे में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इवेंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनाएगा, गैमेट्स। यानी इन दिस स्टेज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर देयर, मीन्स इस स्टेज के अंदर गैमेट फॉर्मेशन दिखाई देगा हमें, और उनका ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसे, गैमेटोजेनेसिस। तो हमें कहें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जब भी मियोसिस होता है, तो मियोसिस के लिए हम बात करें, क्लास 11th में हमने इस चीज को पढ़ा है, ठीक है, कि मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस जो होगी उसके अंदर एक डिप्लोइड सेल 2n, इसे हम बोलते हैं डिप्लोइड 2n सेल जो है, उसके अंदर मियोसिस होता है, और एक n हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी एक 2n सेल, डिप्लोइड सेल क्या बनाएगी, हैप्लोइड सेल बनाएगी, और इस हैप्लोइड सेल को हम बोलेंगे गैमेट। क्या बोलेंगे इसे, गैमेट। यदि फीमेल के अंदर बनता है तो फीमेल गैमेट, और यदि मेल में बनेगा तो इसे क्या बोल देंगे, मेल गैमेट, ठीक है। तो इसी के अंदर हम जो देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड गैमेट्स। यानी हैप्लोइड सेल्स बनती है गैमेटोजेनेसिस के अंदर, मींस डिप्लोइड से क्या बनेगी, हैप्लोइड सेल। अब हमने कहा कि भी यदि ये मेल में होगा तो इन्हें मेल गैमेट बोलेंगे, और फीमेल में होगा तो क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स। इवन हम ये कहते हैं कि इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं ओवम। ओके, तो उसी के नाम से स्टेजेस का नाम पड़ जाएगा, कि मेल गैमेट्स बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर, और उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें हम कहेंगे स्पर्म फॉर्मेशन। ऐसे ही फीमेल गैमेट्स, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होती है उसकी फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस, यानी स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम फॉर्मेशन ऊजेनेसिस कहलाएगा। ओके, ध्यान से समझिए आराम से इन चीज़ों को, क्योंकि ये आगे 12th क्लास में हमारे पूरे साल काम आने वाली है, और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करेंगे या कोई और प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब लिखा गया होमोगैमेट्स, मीन्स क्लास 11th में हमने थ्री टाइप्स के गैमेट्स पढ़े। मीन्स गैमेट्स वैसे गैमेट्स नहीं, मीन्स जब फॉर्म होते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देते हैं उसके बेस पर। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ गैमेट्स, आइसोगैमेट्स, एनआइसोगैमेट्स एंड ऊगैमेट्स, या इसे आप बोल सकते हो
आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड उगैमस टाइप। आइसोगैमेट्स, आइसो का मतलब एक जैसे, जो दिखने में बिल्कुल क्या हो, एक जैसे हो। इसे आप बोलते हैं होमोगैमेट्स। क्या बोलते हैं इसे? होमो, होमो का मतलब है एक, एक जैसे दिखने वाले गैमेट्स, ठीक है। अब होमो एक जैसे कैसे? वो शेप में, स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। जबकि हेटरोगैमेट्स को आप एनाइसोगैमस भी बोल सकते हो और ओगैमस टाइप भी बोल सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें फर्क क्या है। जो आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस जो होंगे उसमें मान लीजिए ये गैमेट्स हैं हमारे, ये शेप, साइज और स्ट्रक्चर में क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आइसोगैमस टाइप का। जो दूसरा मैं बता रहा हूँ वो है एनाइसोगैमस, ठीक है। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होगा? एक मान लीजिए इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से होगा, मतलब साइज में फर्क आ जाएगा। एक साइज में बड़ा होगा और एक साइज में क्या होगा? छोटा होगा। जो साइज में छोटा होता है उसे हम बोलते हैं मेल गैमेट, जो साइज में बड़ा होगा उसे बोलते हैं फीमेल गैमेट। जबकि ऊगैमस टाइप में क्या होगा? जो ह्यूमन में मिलता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, यानी एक जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। क्या होगा? मोटाइल, जो मूव कर सकता है, जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये आगे हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो ऊगैमस टाइप का है, ठीक है। इसे एनाइसोगैमस टाइप भी बोल देते हैं, बट हम कहें बेसिकली ये ऊगैमस टाइप का है, क्योंकि ऊगैमस का मतलब होता है जिसमें मेल जो है वो मोटाइल होगा और फीमेल नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वही कि हेट्रोगैमेट्स बोल दिया इन्होंने यहाँ पर, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। अब हेट्रोगैमेट्स में किस तरीके से, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर हम इसको बोलते हैं मेल गैमेट्स को एंथ्रेजोइड्स बोलते हैं, जो आपने ब्रायोफाइट में पढ़ा होगा, ओके। ऐसे ही जो स्पर्म ह्यूमन के अंदर बोले जाते हैं या एनिमल्स में बोल देते हैं हम स्पर्म, फीमेल गैमेट्स को जो प्लांट्स होते हैं उनमें एग बोलते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर हम लोग बोलते हैं ओवम, ओवम कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ओवम और एग है तो एक ही चीज, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अब बात करें कि ये गैमेट्स क्या एक ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, या दोनों एक ऑर्गेनिज्म में बनकर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो उसके बेस पर आ गया। पहला है होमोथेलिक या मोनोशियस, इसे बोलते हो हम। यदि एनिमल की बात करें तो उसे बोल देते हैं होमोथेलिक, का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी दोनों एक के अंदर है, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा इसको, होमोथेलिक, होमो मतलब एक ही, एक के अंदर, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, इसे मोनोशियस भी बोलते हैं। और एनिमल्स में बोलें तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल, ओके। प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात करें कोकोनट और कार, ये जो दोनों हैं वो होमोथेलिक या मोनोशियस टाइप के होते हैं। ऐसे दूसरा आ जाता है हेटरोथेलिक, डायोशियस, या फिर एनिमल्स में जिसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी मेल गैमेट्स मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा। इसे यहाँ पर प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया एंड मार्किंशिया का एग्जाम्पल गिवन है इसमें, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जैसे दे दिया इन्होंने, देखो कि यूनिसेक्सुअल, यदि मेल फ्लावर है, यदि एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट ही है, ठीक है, फीमेल पार्ट नहीं है, यानी स्टेमन है सिर्फ, तो उसे बोलते हैं स्टेमिनेट। और इसकी जगह पर फीमेल फ्लावर हो, मतलब उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही होगा, मेल पार्ट ना हो, तो उसे पिस्टिल के कारण क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। एक वर्ड आता है हार्मोफोड्राइट, हार्मोफोड्राइट जो वर्ड है हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, मीन्स द एनिमल्स दोज दे वेयर बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्सुअल पार्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या चीज? हार्मोफोड्राइट। जैसे अर्थवर्म, ये सबसे मेन एग्जाम्पल है इसका, अर्थवर्म। इसके अलावा स्पॉन्जिस भी है, टैपवर्म भी है, लीच भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो पार्ट हुआ गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की थी कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसमें गैमिट किस तरह की सेल होती है, तो लिखा गया है ऑलवेज हैप्लोइड। कैसी सेल होगी? हैप्लोइड होती है। जो सेल होती है हैप्लोइड, देखो कोई भी हो, चाहे हैप्लोइड या डिप्लोइड हो, उनमें नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमेशा माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है।
हम ये कहें कि गैमिट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होगा, तो मियोसिस होता है। और जो सेल हमने पहले दिखाया आपको कि एक डिप्लोइड सेल होगी, 2n सेल होगी, जिसके अंदर क्या बनेंगे, मियोसिस होकर गैमिट्स बनते हैं जिससे, ठीक है। तो इस सेल को क्या बोल सकते हो आप, मियोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट सेल, गैमिट मदर सेल। क्या बोलते हैं इसे, गैमिट मदर सेल, जिससे गैमिट्स फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बात करें गैमिट ट्रांसफर की, सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो आएगा गैमिट्स जो है वो कैसे बनते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। तो ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, ट्रांसफर क्यों होगा, ट्रांसफर होगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। मोस्टली हमने देखा है कि मेल गैमिट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से जो है वो फीमेल गैमिट के पास पहुंच जाते हैं, और फीमेल गैमिट्स स्टैटिक यानी नॉन मोटाइल माने गए हैं। अब इसे लिखा गया कि लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, फंजाई, ठीक है, इनमें दोनों ही मेल और फीमेल मोटाइल होते हैं, ठीक है। सिंपल टाइप के प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये जो है किसको मीडियम के फॉर्म में यूज करेंगे गैमिट ट्रांसफर के लिए, वाटर को, यानी वाटर वहां मीडियम के फॉर्म में यूज होगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी मूवमेंट को कर सके, मेल गैमिट फीमेल के पास या फीमेल मेल के पास पहुंच सके। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वहां पर जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स आगे पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर में इसके बारे में। और पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है कहाँ से, मतलब स्टिग्मा तक पहुंचना, उसका एंथर टू स्टिग्मा, ये आपने 10th में पढ़ा। इधर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स मीन्स हम ये कह सकते हो कि भी जो मेल पार्ट है उसका, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना इज नोन एज पोलिनेशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना। ओके, इसे बोलते हैं पोलिनेशन, क्योंकि इसके बिना फिर रिप्रोडक्शन अधूरा हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम जो बात करें सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट जो है वो है फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि अभी हमने देखा गैमिट बन गए। ओके, गैमिट जो है उनका ट्रांसफर भी हो चुका है, गैमिट पहुंच गए हैं कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए हैं, या फिर हम कहें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पहुंच गए हैं। अब वहां पहुंचने के बाद उसका क्या होना है, फर्टिलाइजेशन। और गैमिट्स, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जुड़ता है, दोनों मिलते हैं, तो इनके मिलने को हम बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन यानी जो प्रोसेस है वो तो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, और जो बनेगी चीज उसे क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे उसे, जाइगोट बनना। अब ये जाइगोट जो है जो बनता है जैसे भी बने, है ना, कोई प्रोसेस होती है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है इसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। तो हम ये कहें कि कोई भी पार्ट हो, किसी में भी आप ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म दो भी हो सकते हैं, कि भी हम तो एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, एक तो बनेगा मेल गैमिट और दूसरा क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। हो सकता है ये एक के अंदर ही बने, हो सकता है कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर बने, ठीक है। मेल गैमिट बना और फीमेल गैमिट बना, दोनों जो है वो फ्यूज होते हैं, दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको हम, तो दोनों फर्टिलाइज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म से मेल या फीमेल गैमिट जो बनते हैं तो डिवीजन होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। ओके, तो हमें कहें कि मियोसिस से मेल या फीमेल गैमिट बनेंगे, वो दोनों जो है फिर से फ्यूज होंगे, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनेगा, जाइगोट। ये ऑर्गेनिज्म है डिप्लोइड, 2n, गैमिट बनेंगे हैप्लोइड, एन एन। ओके, और वापस फिर से ये क्या बन गया, 2n जाइगोट। ये 2n जाइगोट जो है वो डेवलप होगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये कॉमन प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो बनना, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है, तो एक साइकिल है, एक साइक्लिक प्रोसेस जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है, और यही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर दी गई है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, फर्स्ट इसकी बात हम कर चुके हैं, सेकंड ये चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि पार्थेनोजेनेसिस जो टॉपिक है, पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि जो फीमेल गैमिट है वो ही डायरेक्टली जो है बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट डायरेक्टली इनटू अडल्ट, ओके, इनटू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए, रोटिफर्स हैं, हनी बीज, लेजर्ड बर्ड्स, ये दे रखे हैं इनके अंदर, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का बताया गया है, हो सकता है कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। हम छोटी सी बात करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी आउटसाइड द बॉडी, ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंडर नहीं होगा, ये बाहर होगा, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिक जो चीजें हैं, हम कहें कि किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा, तो ये बोनी फिशेज हो गई, फ्रॉग हो गए, या एल्गी, क्योंकि जो पानी में रहते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिला है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे कोई हम कहें बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, ओके। तो ये हो गए फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। अब बात करें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा। जैसे हमने अभी बताया कि जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर वो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बात करें अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर दो प्रोसेस बताई गई है यहाँ पर, एक तो है जाइगोट डेवलपमेंट और दूसरा एम्ब्रियो जिनेसिस, ओके। जाइगोट डेवलपमेंट मीन्स व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजेस द फॉर्म जाइगोट, वो क्या बनाएंगे, जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे अलग अलग टाइप का है, एक्सटर्नल और इंटरनल मीडियम है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग है कि यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट जो फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम में होगा, और यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट फॉर्मेशन इंटरनल मीडियम, यानी इंटरनल मीडियम मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। इसके अंदर एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, और ये सिंगल सेल जो है डिवाइड करती है। अब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, कौन सा होगा, माइटोसिस, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने हैं। तो ये जो चीज होगी, हम कहें जाइगोट, उसमें लगातार डिवीजन होते रहेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहेगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन से अब आगे से आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल्स बनती जाएंगी, ओके। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। देखिए, जब हम ये कहें कि हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ना हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, कैसा है ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड है, यहाँ पर जो जाइगोट है उसके अंदर मियोसिस होगा। थोड़ा ध्यान सुनिए, जो मैंने अभी चीज बताई है ये डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है। कौन सा लाइफ साइकिल है, डिप्लोइडिक, क्योंकि इसमें जो हैप्लोइड स्टेज है वो तो है छोटी सी, सिर्फ गैमिट्स वाली हैप्लोइड है, बाकी सब कुछ क्या है, 2n है, डिप्लोइड पार्ट है। तो हम इसमें कहते हैं कि जो डिप्लोइड सेक्शन है वो ज्यादा है, ओके। जब डिप्लोइड सेक्शन ज्यादा है तो इसे बोलते हैं डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ओके। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें हैप्लोइड लाइफ साइकिल भी होती है। अब वो कैसे, यहाँ पर जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, उसमें जायगोट वो 2n होगा, और 2n जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ध्यान से समझिए, इसमें ये मैं बोल रहा हूँ डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो है डिप्लोइड, क्या है वो, डिप्लोइड। जो गैमिट बनते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, फिर फर्टिलाइज जाइगोट बनता है, पर यदि इसी की जगह हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल ली जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, हैप्लोइड होगा। हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म फ्यूजन से यानी फर्टिलाइजेशन से क्या बनाएगा, डिप्लोइड जाइगोट बनाएगा, उस डिप्लोइड जाइगोट में मियोसिस होगा, कौन सा होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, वापस हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म बनता है, और इसे बोलते हैं आप लोग क्या चीज, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। ध्यान से समझिएगा, क्लास 11th के अंदर भी है
हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये था हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक के बारे में, और लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, जो इसमें मैंने बताया आपको कि जाइगोट जो है अब लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा और सेल डिवाइड करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं आप लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस। और मैंने पहले ही बोला कि सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, पर यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल सेल, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। अब बात आती है ओविपेरस एंड विविपेरस टाइप की ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स, सीधा सिंपल सा है, ओवी मतलब अंडे देने वाले, ऑर्गेनिज्म एनिमल जो एग ले करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, एंड दोज ऑर्गेनिज्म दे गिव द बर्थ टू यंग वंस, उन्हें बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, एग्स ले करते हैं, एग कहाँ होगा, बाहर, बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा तो उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए तो उनके ऊपर एक हार्ड शेल होगी, किस चीज की, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैलकेरियस शेल होगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की, जो उसे बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करती है जब तक कि एग हैच ना हो जाए। जबकि जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, तो वहां पर ऐसी कोई भी शेल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पर ओविपेरस जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एग्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल रेट क्या है, कम है, क्योंकि बॉडी से बाहर है तो उनको हार्म हो सकता है, कभी भी नुकसान हो सकता है। जैसे एनिमल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, और विविपेरस की बात करें हम लोग, मतलब एनिमल्स, रेप्टाइल और बर्ड्स क्या होते हैं, ओविपेरस, और विविपेरस की बात करें तो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर आते हैं, और कुछ और भी हैं जो अलग से हम पढ़ते हैं, ठीक है, भी स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, जो विविपेरस होते हैं। अब कुछ जनरल हम टॉक करते हैं, जनरल बात है जो आगे टॉपिक के अंदर छोटी छोटी बातें दे रखी है, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक प्लांट के अंदर जो होता है सीड बनता है, क्या बनता है, सीड, वो सीड किससे बनेगा, ओव्यूल से बनेगा, जबकि जो ओवरी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर, ठीक है। और हमें पता है कि फ्रूट के बाहर फ्रूट वॉल होती है, उस फ्रूट वॉल का क्या नाम है, पेरिकार्प, उस फ्रूट वॉल का क्या नाम है, पेरिकार्प, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट बताया, एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, भी कंप्लीटली जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया कि ये प्रोसेस होगी, और इन सब के बारे में हम क्लास 12th के अंदर ही सेकेंड चैप्टर के अंदर आगे और डिस्कस करेंगे।